क्या कर, स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्या वजह, क्यों नहीं जाते? कोई वजह नहीं। कितने रुपए सेब लगाए हुए हैं? 200 रुपए। 200 रुपए किलो है? हाँ। और पीछे कहाँ से आ रहे हैं ये? कितने रुपए रेट, क्या रेट है? 120। यानी कि ऊपर 80 रुपए लिखा और आप 100। Yes, अच्छा, ये अंदर हर चीजें सस्ती है उनके अंदर। G20 सबमिट हो रही है, 20 बड़ी इकोनॉमी मुल्कों की आई है, चांद पे पहुंच के सूरज मिशन भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और आज हम भी फिर वही पे होते जी। इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो गया, कश्मीर में जुल्म हो गया। सर आपको नहीं लगता कि पहले उस चीज को बाहर निकल के हमें अपने मुल्क के अंदर चीजों को जुल्म, सिर्फ अगर ये होता ना कि किसी को गोली मार दी जाए तो फिर वो जुल्म है, लेकिन हम खाने के बगैर हम मर रहे हैं, क्या ये जुल्म नहीं है? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। कितनी चीजें ऊपर ले गए हैं कि कुवत खरीद खत्म हो गई है, पेट्रोल कहाँ चला गया है, गंदम कहाँ चली गई है, सब्जियाँ फ्रूट सब कुछ हाथ से निकल चुका है। तो बताएं कितनी देर हो गया फ्रूट अपने घर बच्चों के लिए लेके गए होंगे? मुझे तरस ही हो गया। कितना अरसा हो गया? आज मुझे हमारा इतना दिल कर रहा था कि हमने बच्चों के लिए फ्रूट लिए, बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाए, मगर हमने रेट पूछा बहुत ज्यादा है। क्या वजह यार, हम तो इस्लाम के ऊपर मुल्क बनाया था कि हर चीज यहाँ पे मिलेगी। सर क्या रेट चल रहा है इसका अंगूर का? ये सस्ता ही है। सस्ता कितना रेट है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो चल रहा है। किधर गया पाकिस्तानी काश्त? सर सही बताना है कि कितनी देर हो गई अपने बच्चों के लिए फ्रूट या अपने वालदेन के लिए फ्रूट लेके गए हो आप? यार मेरा कभी नहीं लेके, कभी नहीं लेके गए, थोड़ा थोड़ा लेके जाता सर। किधर से हैं आप? बाजोड़ से। केपीके में अगर बात की जाए वहाँ में तो बड़ा फ्रूट सेब या बात की जाए तो लगता है 200 रुपए किलो। किधर से आ रहे हैं? ये पाकिस्तानी है, किधर से आ रहे हैं? पेशावर का है ये। महंगाई सारी ज्यादा नहीं होगी, सिस्टम पूरा हो जाता है कि नहीं? नहीं जी, मसा दिहाड़ी भी नहीं निकलते। गरीब आदमी वाकई इस वक्त नहीं खा सकता, ये हम मानते इस बात को। रोटी नहीं पूरी हो रही तो उसने फ्रूट की तरफ कहाँ पे जा? बिल्कुल नहीं हो रही। खाना बनाना इस वक्त बहुत मुश्किल हुआ है। एक चीज खत्म होती है तो दूसरी की जो है पड़ी होती है कि यार वो भी लेके आनी, ये भी करना है, वो भी करना है। एजुकेशन इतनी जो है कॉस्टली हो चुकी है कि बच्चों के फीसें जो है पिछले कई कई महीनों से हम दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे हालात हैं। हुक्मरानों को देखना चाहिए कि लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, चांद पे पहुँच गए, हमारा हमसाया मुल्क है चांद पे पहुँच गया है, और हम अभी तक जो आपस की लड़ाई खत्म नहीं कर रहे हैं। 100 रुपए किलो लगाए जी? 250 रुपए किलो है ये। आप मतलब कोयटा के है क्या, किधर से है ये? सेब की बात कर ली जाए या बाकी फलों की बात कर ली जाए, तकरीबन 15 दिन हो गए। क्या लेके गए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम लेके गए थे हम केले लेके। कितने रुपए दर्जन मिले थे फल? कितनी देर हो गई है, रेट कितना महंगे फल हो गए, कितनी देर होगी फल नहीं खाया या घर भी? बहुत दिन हो चुके हैं। सही बताना है, सही बता रहा हूँ। क्या वजह तो है ना, तैयारी 1200 का क्या? नहीं यार, फल तो एक हमारे मुल्क के अंदर ही लगता है, अगर हम देखा जाए तो ये जरूरी मुल्क है, मौसम भी इसके अंदर है, उसके बावजूद भी इतना महंगा है। हाँ जी, बहुत महंगा, बहुत महंगा ही बहुत हो गया। आपके भी वालदैन तो हो गए, उनका भी दिल करता होगा, बूढ़े माँ बाप का सबका दिल करता है। स्कूल नहीं जाते उम्र क्यों? मिसे मारती है या पढ़ने के लिए पैसे नहीं है? सर आपका नाम? अफजल। अच्छा अफजल साहब, मुझे ये बताया कि अगर हम फल की बात कीजिए, फ्रूट पाकिस्तान का फ्रूट है और आज इतना महंगा हो गया कि हमारे अपने पाकिस्तानी इसे नहीं खरीद सकते, अगर हम मरीजों की बात करें, आपको पता है मरीजों के लिए या ऐसे लोगों के लिए फ्रूट जो ज़रूरी है सेहत के लिए, हम ये आम चीज़ यही नहीं खरीद पा रहे? ये असल में ना ये माफिया है, हर जगह पे मौजूद है। अच्छा, हुकूमत में भी है, फौज में भी है, जहाँ कहीं भी आप देख लें, सब्जी वाला है वो अलग माफिया है, फ्रूट वाला अलग माफिया है, ये सारे माफिया हैं। चीज़ें इतनी महंगी नहीं है जितनी कर दी गई हुई है। गरीब आदमी वाकई इस वक्त नहीं खा सकता, ये हम मानते इस बात को। रोटी नहीं पूरी हो रही तो उसने फ्रूट की तरफ कहाँ पे जा? बिल्कुल नहीं हो रही। खाना बनाना इस वक्त बहुत मुश्किल हुआ है। एक चीज़ खत्म होती है तो दूसरी की जो है पड़ी होती है कि यार वो भी लेके आनी, ये भी करना है, वो भी करना है। एजुकेशन इतनी जो है कॉस्टली हो चुकी है कि बच्चों के फीसें जो है पिछले कई कई महीनों से हम दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे हालात हैं। हुक्मरानों को देखना चाहिए कि लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, चांद पे पहुँच गए, हमारा हमसाया मुल्क है चांद पे पहुँच गया है, और हम अभी तक जो आपस की लड़ाई खत्म नहीं कर रहे हैं। और वही बात है, उनके अंदर हर चीजें सस्ती है, उनके अंदर G20 सबमिट हो रही है, 20 बड़ी इकोनॉमी मुल्कों की आई है, चांद पे पहुंच के सूरज मिशन भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और आज हम भी फिर वही पे होते जी। इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो गया, कश्मीर में जुल्म हो गया। सर आपको नहीं लगता कि पहले उस चीज को बाहर निकल के हमें अपने मुल्क के अंदर चीजों को? जुल्म सिर्फ अगर ये होता ना कि किसी को गोली मार दी जाए तो फिर वो जुल्म है, लेकिन हम खाने के बगैर हम मर रहे हैं, क्या ये जुल्म नहीं है? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। कितनी चीजें ऊपर ले गए हैं कि कुवत खरीद खत्म हो गई है, पेट्रोल कहाँ चला गया है, गंदम कहाँ चली गई है, सब्जियाँ फ्रूट सब कुछ हाथ से निकल चुका है। खुदारा वो वक्त का इंतजार ना करें कि अवाम आपके गिले बानों तक पहुंच जाए, बचे उस वक्त से जो है। सर अवाम तो भूख से मर रही है, गिले बानों तक कहाँ पहुंचे जाना, गिरे बानों तक पहुंच सकती है वो तो करके लंदन भाग जाते हैं सर, या अमेरिका भाग जाते हैं। बेशक जो है भाग जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ जो अंदर जाके बैठ जाते हैं,
कुछ को बिठा दिया जाता है, कुछ को बाहर भेज दिया जाता है। अब आम इतनी बेवकूफ नहीं रह गई हुई कि उनको पता नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, उनको पता नहीं है। सब आम को पता है अदलिया में क्या हो रहा है, फौज में क्या हो रहा है, सब पता है। सिर्फ लोग मजबूर हैं कि यार किसी तरीका अपना वक्त जो है टपाई जाए। कुछ कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी उधार उठा रहा है। यहाँ तक कि कई बार नौबतें अभी जो बिल आ गई हैं, बिल जो है लोगों ने अपनी चीज़ें बेच के, कईयों ने खुदकशियाँ कर ली हैं, कईयों ने उधार ली हैं, अपनी चीज़ें बेची हैं, बड़ी मुश्किल से जो बिल पे गई हैं। वापस आ जाए, बहुत दूर मुल्क जा चुका है, खुदा का वास्ता। आपने कहा लोग जो है चावल पड़ोसी मुल्कों की बात की, चावल सर उनके अंदर की जैसे चावलों की बात की जाए, जब उनके वो उन्होंने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, ठीक है कि उनके मुल्क के अंदर जो है महंगाई बढ़ रही थी, चावल का रेट बढ़ रहा था, उन्होंने बैन किया, अपने मुल्क को फैसिलिटीज दी, तो सर हमारे मुल्क के अंदर ये फ्रूट लगता है और उसके बावजूद भी इतना महंगा, क्या हम बाहर एक्सपोर्ट करते तो अपनी आवाम को नहीं फैसिलिटीज दे पा रहे? मैं ये कहता हूँ कि हम बागात ही खत्म करते जा रहे हैं। हुक्मरानों को ये एहसास होना चाहिए कि पैसा हमने हमारी जरूरत के लिए कितना पैसा चाहिए। आखिर तो जाना कब्र में ही है ना, वहाँ जाके आके कुछ जवाब देना कि नहीं देना। अल्लाह ने जो माल दिया उसमें आपके रिश्तेदारों का, गरीबों का हिस्सा रख दिया है। अगर तो ये करते हैं कि लोगों से छीन छीन के आप सदका खैरात करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो वो मदद नहीं होती है, ठीक है ना। वो आपने किसी का हक मारा हुआ है, उस हक से बचें जो आप मारते हैं किसी का, और आगे आप समझते हैं हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो अल्लाह हमसे खुश हो रहा है। हर चीज ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ना अल्लाह की रस्सी दराज है बुरों के लिए जो है, और उससे छोड़ा हुआ है, लेकिन जब वो खींचेगा तो लग पता जाएगा क्या भाव बिक रही है। अच्छा मुझे सर ये बताया, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, आज बहुत तरक्की कर गया, अफगानिस्तान की बात कीजिए सर, उनका एक रुपया यहाँ पे 4.5 रुपये बनते, क्या वजह बनी है? हमने तो हम तो ये 3-4 साल पहले ये कहते कि जो अफगानी भाई हम आ रहे हैं हम उनकी हेल्प करेंगे, आज सर वो उनका डॉलर अच्छा है 80 रुपये या 85 रुपये डॉलर का रेट चल रहा है। ये सारी वहाँ पे कम है सर, ये सारी हुक्मरानों की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल खराब जा रही है, इन्हें कंट्रोल करना चाहिए हर चीज के ऊपर जो है। कोई हमारे मुल्क से ऐसे कोई चीज लेके जा नहीं सकता। बॉर्डरों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, हमारी जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हमारे जो बॉर्डरों के ऊपर जो है, वही बेईमान है, वही पैसा लेके चीजें इधर की उधर कर देते हैं सारी जो है। वहाँ पे खुदारा नेक लोग बिठाएं जिनको अल्लाह याद हो, अपने मुल्क को बचाएं किसी भी तरीके से बचाएं, ये बहुत जरूरी हो चुका है। फ्रूट की बात ही कर लेते हैं सर, मैं तो फ्रूट का रेट चेक करने आया था, मैंने आज फ्रूट का रेट देखा, इतना हाई रेट है कि आम बंदा तो खा नहीं सकता, कि इस पे क्या कहना चाहेंगे कि अपने मुल्क के अंदर ही लग रहा और यहाँ पे नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल है सर, या हम बागात ही खत्म करते जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि क्या पब्लिक ज्यादा हो गई है और जो पैदावार है कम हो गई है, हरगिज ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप देखें इंडिया की बात कीजिए, उनकी जो 1.5 अरब आबादी है वहाँ पे तो सर हर चीज मिल रही है, सर मिल रही है वहाँ पे जो है वो नाम के जो है वो मजहब को नहीं मानते, इस्लाम को जो है, जो उनकी वहाँ पे हुकूमत है, यहाँ हम मुसलमान हो के जो है हम एक दूसरे के जो है ना गले काट रहे हैं, चीज 100 रुपये बढ़ती है कोई भी जो है तो हम आगे 150 कर देते हैं इन चीज़ों के। उनसे तो हम अलहदा इसलिए हुए थे कि हम इस्लाम इम्प्लीमेंट करेंगे, इस्लामी कानून, इस्लामी लॉ लेके आएंगे ताकि मुल्क तरक्की करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी इस्लामी लॉ, इस्लाम को हम इस्तेमाल जो कर लेते हैं। अभी रिसेंटली जो जमात आई है उसने इस्लाम को किस तरीके से इस्तेमाल किया है, क्या उस अभी जो पीटीआई की बात कर लेते हैं, पीटीआई ने कितना दीन को इस्तेमाल किया, इस्लाम को इस्तेमाल किया है, क्या जो इस्लाम है वो ये कहता है कि आप कहो कुछ और कहो करो कुछ, हर चीज़ ऐसा नहीं है। उनके हर काम में जो है वो झूठ था, तो इसलिए वो एक्सपोज हुए। अब जो है उनकी हालत भी देखने वाली है कि क्या उनकी हालत है, क्योंकि 76 साल में कोई लीडर अच्छा नहीं आया सर, नहीं आए। लेकिन अगर कोई कहता है ना कि नून लीग को क्यों वोट देते हैं, पीपल पार्टी को क्यों देते हैं, या कोई पीटीआई को क्यों देता है, भाई सबके अपने अपने लीडर हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं ये सोचता हूं कि यार सबसे छोटा चोर कौन है, सबसे छोटा चोर अगर नवाज शरीफ है तो यार इसको वोट देना चाहिए यार, अगर जरदारी है तो फिर उसको देना चाहिए, अगर इमरान है तो फिर उसको वोट देना चाहिए यार, देखना चाहिए यार है ये सारे चोर। मैं वो तो ये एनालिसिस करता रहता हूँ यार, पार्टी की बात नहीं है, मैं बंदे चेक करता रहता हूँ यार इसने क्या किया था, इसने क्या मुल्क के लिए बेहतर किया, उसको ले आगे ले क्या बिल्कुल आना चाहिए। जो अभी जो है ना ये यार ऊपर जो मेरे ओरिएंट ट्रेन मौजूद है, ये बहुत बड़ा मनसूबा है, बहुत बड़ा मनसूबा है। इसमें अगर आप देखें तो आज हम अपनी बहनों को बेटियों को इसमें हम सवार करा देते हैं, तो एक तो वो एसी में जाती हैं और आराम से तहफ्फुज़ के साथ जाती हैं। ये कौन लेके आया था, हमें चाहिए सारी चीज़ें देखना। सिर्फ ये नहीं है कि यार जो है जिसने झूठ बोल के जो है चोर चोर के नारा लगा के जो अपने पीछे वाम को लगा लिया, वाम को भी सोचना चाहिए कि यार किसने मुल्क के लिए किया क्या है, उसके पीछे लगे। चले चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। ये बताएं कितनी देर हो गया फ्रूट अपने घर बच्चों के लिए लेके गए हो गए? मुझे तरस ही हो गया। कितना अरसा हो गया? आज मुझे हमारा इतना दिल कर रहा था कि हमने बच्चों के लिए फ्रूट ले, बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाए, मगर हमने रेट पूछा बहुत ज्यादा है।
क्या वजह यार, हम तो इस्लाम के ऊपर मुल्क बनाया था कि हर चीज यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे आज हमारे मुल्क के अंदर चीज बन रही है वो रेट इतना हाई हो गया। हाँ, हमारे मुल्क में दीन की सपोर्ट तो होती है मगर दीन पर चलते नहीं ने। चलते नहीं है। तो इंडिया ने सर कैसे तरक्की कर ली? इंडिया ने बाहर मुल्कों से सीख ली। आप मुझे बताएं फल कितनी देर होगी भाई नहीं घर लेके गए? फल कितनी देर होगी, रेट कितना महंगे फल हो गए, कितनी देर होगी फल नहीं खाया या घर भी? बहुत दिन हो चुके हैं। सही बताना है। सही बता रहा हूँ। क्या वजह है? दूर है ना तैयारी, 1200 का क्या? नहीं यार, फल तो एक हमारे मुल्क के अंदर ही लगता है, अगर हम देखा जाए तो ये ज़रई मुल्क है, मौसम भी इसके अंदर है, उसके बावजूद भी इतना महंगा है। हाँ जी, बहुत महंगा, बहुत हो गया ही, बहुत हो गया। आपके भी वालदैन तो हो गए, उनका भी दिल करता होगा, बुढ़े माँ बाप का। हाँ जी, सबका दिल करता है, महंगाई इतनी है, तैयारीदार है, नहीं ले आ सकते। ये हालात है जी पाकिस्तान के। रिवाज साहब देखो भाई, कैसे हैं जी? क्या नाम है आपका? क्या करते हैं जैद साहब? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्या करते हैं? फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो फल कितनी देर हो गई है नहीं लेके गए, सही बताना है दिल से। फल हाँ, तकरीबन हो गए 15 दिन। सेब की बात कर ली जाए या बाकी फलों की बात कर ली जाए, तकरीबन 15 दिन हो गए। क्या लेके गए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम लेके गए थे हम केले लेके गए। कितने रुपए दर्जन मिले थे? तकरीबन 150। और उसके बाद फिर यार, हालांकि फल तो ऐसी चीज है कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है, आपके भी वालदैन या बच्चे होंगे सबके लिए लेके जाने चाहिए, फ्रूट एक ऐसी चीज है। यहाँ पे लोगों के मुझे लगता है रोटी और वो बिजली के बिल या वो सिस्टम ही नहीं पूरा हो रहा, तो लोगों ने फ्रूट की तरफ कैसे जाना है? बहुत बिल है, बहुत इतनी महंगाई है, फ्रूट कैसे खाएं, पैसे ही नहीं आते, खाएं कैसे? बस एक टाइम की रोटी, दो टाइम की खाते हैं, वो मुश्किल है। असल इधर मसला है, जो मुसाफिर इधर रहते हैं ना, इधर के खाना बहुत महंगा पड़ता है, एक टाइम का तकरीबन 200-300 रुपए पड़ता है। हम इस टाइम लइए के हम इधर फैक्ट्री हम आर्मी चीफ को और अपनी मौजूदा हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसको मशवरा देना चाहते हैं, जितना फौज ने सरकारी रकबे पर कब्जा किया हो या बाकी अदारिया ने किया हो या सियासतदानों ने किया हो या महकमा जंगलात आलिया के कब्जे है, वो सारी जमीन उत्ते अगर फ्रूट काश किया जाता, बाहर दौपड़ियां बुलाते या जूस बरात बाहर बाहर भेजा जाता है, हमारे मुल्क में डॉलर आता है। बाहर तो भेजना है, इन्होंने नहीं खाना बाहर में भेजा, हर चीज तो बाहर जा रही है भाई। भाई पहले इधर पूरा होता ना तो फिर बाहर जावे ना, फिर आम हो जावे, आज भी बाहर भेजने का चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम। बात तो सुने, अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी? मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, कैमरा थोड़ा सा पीछे कर ले, मैं ये पूछ रहा था कि सर सही बताना है कि कितनी देर हो गई अपने बच्चों के लिए फ्रूट या अपने वालदैन के लिए फ्रूट लेके गए हो आप? यार मेरा कभी नहीं ले गया, कभी नहीं लेके गए, थोड़ा थोड़ा लेके जाता सर। किधर से हैं आप? बाजोड़ से तालुक। बाजोड़ केपीके में अगर बात की जाए वहाँ तो बड़ा फ्रूट सेब या बात की जाए तो लगता है उसके हमारे मुल्क के अंदर ही सर लगता है, और हमारे मुल्क के लोग ही नहीं खा पा रहे, क्या वजह है? ये गरीब आवाम जो ये खा रही बहुत ज्यादा है, यही लोगों का आटा रोटी नहीं पूरा, लोगों ने फ्रूट कहाँ पे लेके जाएगा, यही बात होता है, महंगाई बहुत ज्यादा है। सर क्या कहना चाहेंगे, हमने तो ये हमेशा कहा कि जुल्म उधर हो गया, इंडिया में हो गया, उस जगह पे हो गया, तो ये अपने मुल्क में क्या हो रहा है? बस अपन को हालात बहुत बेहतर है, जब तक नया हुकूमत नहीं आएगा उस वक्त हालात ठीक नहीं हो सकते। चले बहुत, जब तक नया हुकूमत आएगा फिर हालात सारे ठीक हो। चले बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई का? वकील साहब। क्या स्कूल नहीं जाते? क्या वजह, क्यों नहीं जाते? कोई वजह नहीं। कितने रुपए सेब लगाए हुए हैं? 200 रुपए। 200 रुपए किलो है। हाँ जी। और पीछे कहाँ से आ रहे हैं ये? कोयटा तो आ रहे हैं। कोयटा से आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के। हाँ जी। ठीक है, ये सेब है जी 200 रुपए किलो है, ये सेब मिल रहे हैं। क्या महंगाई ज्यादा नहीं होगी जी? हाँ जी, सिस्टम ही सिस्टम पूरा हो जाएगा। हाँ जी, हौली हौली सारे नाल ही नहीं। चलो बहुत शुक्रिया था। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? क्या नाम है? क्या जैन साहब, क्या स्कूल जाते कि नहीं पढ़ते? नहीं। कितने पढ़े हुए हैं? तीन पढ़ी है। कितने रुपए रेट, क्या रेट है? 120, यानी कि ऊपर 80 रुपए लिखा और आप 100। ये अच्छा, ये 80 रुपए और ये 120 रुपए किलो है। ये किधर से आते हैं, किधर के हैं ये? ये हाँ जी, ये सिंध के हैं। सिंध से आ रहे, यानी कि पाकिस्तानी है जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? कितने रुपए किलो लगाए जी? 250 रुपए किलो है। ये है मतलब कोयटा के है क्या, किधर से है ये? पता नहीं कितों लेने, ऐसे मंडियों ले आंदे ने। मंडियों ले आंदे, परेशान क्यों है जे महंगाई दी वजह या की वजह है? कोई परेशान नहीं, गर्मी बड़ी है जी, सिस्टम पूरा हो जांदे, ये लो बाग दी सपोर्ट दे सारा कुछ।
ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੇਲ ਵਧੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਕੈਸੇ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸਕਾ ਮੂਨ ਕਾ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੈ सस्ता कितना रेट है 200 रुपए किलो 200 रुपए किलो चल रहा है किधर है पाकिस्तानी काश्तकार है पता नहीं सर हम मंडी से लेके मंडी से क्या वजह सेल में कोई लोग लेके जा रहे हैं कि नहीं मतलब बस बहुत कम लेके जा रहे बहुत कम लेके जा रहे क्या वजह बनी क्या अच्छा भी था सेल होती भी थी या नहीं हां बहुत अच्छा था पहले होती थी कितनी देर पहले तकरीबन 21-22 में 21-22 में तो सर क्या अभी तो लोगों का मुझे लगता है आटा या वही नहीं पूरा हो रहा तो लोगों ने फ्रूट की तरफ कहां पे आना है बिल्कुल जी पहले आटा खाने के लिए तो सर देखे ना आपका भी तो रोजगार है ना आप भी तो सेल करेंगे तो आपका भी तो घर चलेगा बिल्कुल जी ऐसा ही है क्या समझते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है गवर्नमेंट नुकसान कर रही है और क्या कर रही है कोई समझ नहीं आ रही मुल्क की बुरा हाल कर दिया है गवर्नमेंट ने जीना मुश्किल कर दिया है हालांकि ये देखिए रेडी आपकी सुबह कितने बजे लगाया था जी सुबह तकरीबन 8 बजे और रेडी मुझे लगता है कि वैसे की वैसे बड़ा हालांकि इस टाइम पहले बात कीजिए तो इस टाइम जो है फ्रूट वाला तकरीबन आधे से ज्यादा बेच लेते चले बहुत शुक्रिया सर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई जान क्या नाम है भाई का साजिद साहब क्या रेट चल रहा है 150 रुपये पाकिस्तान का ये बताया कुछ सेल वगैरह हो रही है लोग लेके जा रहे हैं कि नहीं या ठंडा ही है क्या वजह है परेशान करे जो कोई दसो तो सही गवर्नमेंट पता चले कि गवर्नमेंट कहते हैं कि इतना फरूट वाले भी परेशान है सेल होएगा तो साडा भी रोजगार चलेगा जी चलो बहुत शुक्रिया सर थैंक यू अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी क्या रेट है जी 80 रुपये और ये 80 रुपये किधर से आता है ये सिंध से या किधर का मुल्तान तो ये नहीं पता मंडी से लेके आते हैं बॉस लेके जाना बॉस कुछ सेल वगैरह भी हो रही कि नहीं मतलब सही रोजगार सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं असी मैं तो सुना पीछे कहते महंगाई है मतलब फरूट भी सेल नहीं हो रहा हूँ लोग घट लेके जा रहे बॉस थोड़ा बहुत हो रहा है चलो बहुत शुक्रिया थैंक यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई का नाम खालिद क्या नाम है 200 रुपये किलो खालिद साहब 200 रुपये किलो है किधर से आ रहे हैं ये पाकिस्तानी है किधर से आ रहे हैं पेशावर का है ये महंगाई सर जी ज्यादा नहीं होगी सिस्टम पूरा हो जाता है कि नहीं नहीं जी मसा दिहाड़ी भी नहीं निकलती या आप कस्टमर अपना दे रहे दिहाड़ी भी नहीं निकलती नहीं जी क्या मतलब वजह क्या क्या गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे यार हमारे अपने मुल्क का फल है इतना महंगा है फल इतना महंगा हो गया अगर आप बताए ना तो बात कहते इतना महंगा हम ले नहीं लेते बिल्कुल आप ही पीछे से महंगा लेके आते हो जी चले बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका उमर फ्रूक स्कूल नहीं जाते उमर क्यों मिसे मारती है या पढ़ने के लिए पैसे नहीं है अब्बू क्या करते हैं यही करते हैं आप भी साथ होते हो क्या रेट है 100 रुपये ये पाकिस्तान से किधर से आते हैं ये मुल्तान से आते हैं यानी कि आप मंडी से लेके आते हैं ठीक हो गया मिसे मारती है और तो कोई वजह नहीं यार अगर मिसे मारती है पढ़ के कोई नाम आप ही समझते कि नाम कोई बड़ा होगा कोई नहीं बड़ा हो जाएगा इसी के साथ ही बड़ा हो जाएगा चले बहुत शुक्रिया